हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन फॉर कंट्रोल, यानी कि प्रिपरेशन फॉर इमरजेंसी कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताया था, आज मैं आपको प्रिपरेशन फॉर कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारी कुछ प्रिपरेशन रहती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन रहती हैं, पर हम जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो होती है हमारी, जैसे कि अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इमरजेंसी की इमरजेंसी को समझना, इमरजेंसी प्लानिंग के रिस्पॉन्स को समझना ज़रूरी है। क्यों ये उतना ज़रूरी है, क्यों हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से टैकल करना ज़रूरी है, क्यों ऐसा होता है, तो ये सब क्यों किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्सीडेंट्स रोकने के लिए और इंसानों की जान बचाने के लिए, उसे किसी भी तरीके का हार्म ना हो, इन केस कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, ऐसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग तैयार करते हैं, ताकि हम कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है, मान लीजिए डिज़ास्टर्स ही आ जाते हैं, तो हम इस तरीके से अपनी इमरजेंसी सिचुएशन टैकल कर सके, अपनी टीम के साथ के होने वाले जो एक्सीडेंट है उससे हार्म कम से कम हो पाए। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें बताया गया है कि हमें इमरजेंसी के बारे में पहले जानना ज़रूरी है। जब हम इमरजेंसी के बारे में हम अवेयर हो जाते हैं कि हमें इस तरीके की इमरजेंसी को फेस करना है, देन उसके बाद हम अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। पहले उसकी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशंस को जानना ज़रूरी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशंस हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको कि आपके इंडस्ट्री में, आपके वर्क प्लेस में किस किस तरीके के इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, या फिर अगर हम डिज़ास्टर्स की बात करें तो डिज़ास्टर्स के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो डिज़ास्टर टीम रहती है वो इसीलिए रहती है ताकि इमरजेंसी होने पर वो लोग आके आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसका रिस्पॉन्स प्लानिंग जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्म अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क हैजार्ड्स एंड थ्रेट सिनेरियोस। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया, सबसे पहले हम फेस रिस्क देखेंगे, हैजार्ड्स कितने हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस फेस रिस्क, हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फेस रिस्क देख ली, हमने हैजार्ड्स चेक कर लिए, हमने थ्रेट्स चेक कर लिए, ठीक है, हमने लेफ्ट अनचेक्ड कर लिए, ठीक है, हमने फाइनेंशियल लॉस चेक कर लिया, इलनेस चेक कर ली, इंजरीज और इवन डेथ भी हमने चेक कर लिया कि हमारे अभी तक होने वाले जितने भी, पूरे समय में होने वाले जितने भी एक्सीडेंट्स थे उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन आ गई, हमने पूरी चेकलिस्ट मेंटेन करी कि होने वाले जो भी अभी तक एक्सीडेंट हुए हैं वो इन इन कारणों से हुए थे, इतने लोगों की जान गई थी, इतनी इंजरीज हुई थी और इमरजेंसी टीम ने क्या रिस्पॉन्स किया था उस हिसाब से। अब हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना, क्यों करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आगे जो होने वाले जो एक्सीडेंट हैं उनसे सीख लेके हम आगे जाएंगे, आगे हम ये देखेंगे कि हम इन होने वाले जो पिछले एक्सीडेंट्स हैं उनसे सीख लेके हम आगे जाएंगे, आगे हम ये चेक करेंगे कि होने वाले एक्सीडेंट्स का जो रीज़न था उनको हमें गिराना है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, ए रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल हैजार्ड। ठीक है, तो जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हम हैजार्ड पोटेंशियल निकाल लेंगे कि क्या क्या कारण था। ठीक है, उसे एनालाइज करने के बाद हम उस पर वर्क कर सकते हैं, हम उसे अंडरस्टैंड करके ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट उसको प्रोएक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपने स्टाफ को और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्या करना होगा, हमने पहले रिस्क असेसमेंट करना होगा, पुरानी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा कि किस वजह से, किन वजहों से हमारी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होने वाले एक्सीडेंट्स का कारण क्या क्या रहा था, और उन कारणों के अकॉर्डिंग हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कलेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर लोकल इमरजेंसी पर्सनल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट करके रखेंगे, जो भी कर्मचारी हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के कर्मचारी जो हैं, लोकल इमरजेंसी पर्सनल जो भी हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम लेके रखेंगे, जिससे कि जब हमारे पास कोई ऐसी रिस्क आती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट आता है तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकें, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गई, फायर पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज हो गई, इस तरीके के हमें कॉन्टैक्ट नंबर नीडेड रहते हैं और इनको हम
ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, समस्या के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोकल फायर डिपार्टमेंट से हम बात कर सकें, इसके लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उन नंबर्स की हेल्प से अपने होने वाला जो भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी हार्मफुल चीज़ हुई है या कोई भी किसी भी बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, आग लग गई या कुछ भी, तो हम इस तरीके के कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास सेव रखें जिससे कि हम हेल्प ले सकें, ठीक है, दूसरों की मदद ले सकें। हमने अपनी टीम तैयार करी वो बहुत अच्छी बात है, पर अगर एक्सीडेंट लेवल वो ज़्यादा ही हाई है तो हमें अपने लोकल इमरजेंसी पर्सनल से भी कॉन्टैक्ट करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बचने के चांसेस बन पाएँ, हम उस तरीके के एक्सीडेंट से बच पाएँ, ठीक है। तो इसमें यही प्रिपेयरिंग जो रहती है वो इसी तरीके से कराई जाती है कि ताकि आपको ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं उन्हें फेस कर रहे हो अगर आप, तो पूरी तरीके से आप प्रिपेयर रहो, आपकी इमरजेंसी टीम तैयार है। इमरजेंसी टीम से ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके अलावा आपके लोकल इमरजेंसीज के भी नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस योर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, ठीक है। तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स है उसमें आपने ऑक्यूपेंट्स सेफ्टी के लिए क्या किया है, प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, कैरी आउट रिकवरी के लिए, डिज़ास्टर्स के लिए, इन सब के लिए जो आपने प्लानिंग्स बनाई हुई हैं उनको आपने पूरी तरीके से चेक किया है, ठीक है। उसके बाद आपको उधर सब जगह जैसे कि मेडिकल सप्लाईज, एम्बुलेंस सर्विसेज, इन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होने चाहिए जैसे कि कभी भी इंसिडेंट कोई होता है तो आप उनको तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके प्रिपेयरिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपेयरिंग अभी प्रिपरेशन फॉर कंट्रोल का जो पार्ट वन है ये, जिसमें कि चार पॉइंट्स आपको मेनली याद रखने ही हैं, ठीक है, कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या जो भी सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, अपने इमरजेंसी प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें ही इसमें बताई गई हैं कि आप कोई भी इमरजेंसी प्लान तैयार कर रहे हैं तो उसकी प्रिपेयरिंग आप कैसे करें। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए कि आपको अपनी इमरजेंसी टीम जो बनानी है उसके लिए ये सारी चीज़ें की नॉलेज पहले से ही आपको उन्हें देनी होगी, देन आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इमरजेंसी प्लानिंग जो सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक था इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम, उसी का सब टॉपिक चल रहा है अभी प्रिपरेशन फॉर कंट्रोल, उसका पार्ट वन मैंने आपको बताया जिसमें कि ये फोर पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं, ठीक है। सो थैंक यू।